हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो खाना वाना खा के हम लेट गए, सो गए थे दोपहर में, और अब टाइम है 6:30 बजे का शाम का। और शाम में तो कुछ खास बनेगा नहीं, देखो या तो माइक्रोनी बनेंगी या जो भी बनेगा हल्का फुल्का सा बनेगा। इस टाइम पर मन हुआ थोड़ा कुछ मीठा सा खाने का, तो सोचा चलो हलवा बना लेते हैं। और इसे मतलब सूजी का, ये देखो सूजी छान रहे हैं। वैसे तो देखो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन एक मन का वहम होता है तो हमेशा छाननी चाहिए। खाने पीने की चीज़ में कोई ऐसा वो नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर में के लिए तो छान रही हैं। और इधर इसमें पड़ा है, घी डला हुआ है इसमें, देसी घी में अच्छा लगता है, और उसकी महक सी भी आ रही है देसी घी की। और यह है सूजी, और चलो देख दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं हलवा। और कभी कभी मन होता है ना मीठी सी चीज़ खाने का, कुछ घर की बनी हुई, वरना तो कभी ऐसा होता है कि जलेबी मंगा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम के टाइम अच्छी बनती है गर्म गर्म एकदम से, तो कभी कभी होता है। लेकिन हाँ, कि अपने घर का कुछ खाएं, तो इसीलिए आज बनेगा हमारा हलवा। चलो आप सब लोगों के साथ शेयर करके। तो ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है हमारा हलवा नहीं है अभी, क्योंकि थोड़े से कुछ गेस्ट से आ गए थे तो बैठ गए थे, और फिर से हमने शुरू कर दिया हलवा बनाने का प्रोग्राम। तो ये देखो इसमें घी है जो कि बहुत पहले से डला हुआ है, और ये डली इसमें सूजी। और जब ये सूजी भुनती है तो खुशबू कितनी अच्छी आती है ना इसकी, है ना। 6:30 बजे बैठे थे हम, हैं 7 बजे, 7:15 हो गए, 15 मिनट हो गए। और फिर ऐसा भी नहीं अच्छा लगता कि कोई आया है या फ़ोन, तो फिर काम करते रहो तुम, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए काम छोड़ कर फिर ध्यान देना पड़ता थोड़ा टाइम, इसीलिए। और एक वो जो हलवा होता है, वो जो लगता है हमारे यहाँ भी मेला लगता है सर्दियों में नहान के बाद, उसमें जो हलवा पराठा बिकता उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है ना, वैसा नहीं बनता घर पर उसका। पराठे के से ज़्यादा हलवा अच्छा लगता है मुझे, और इंशाल्लाह इस बार तो आपको भी दिखाएंगे हम अपने यहाँ का मेला। और बड़ा अच्छा लगता है उसमें, मतलब मीठा भी बड़ा तेज सा हो ना उसमें, अच्छा होता है। जैसे मेरठ में है वो, हर जगह ही मिले है ना जहाँ मेला लगता है, मेरठ में, नौचंदी में, और हमारे यहाँ बुलंदशहर में, नुमाइश में, अलीगढ़ में, जहाँ जहाँ लगता है ये मेला होता है जहाँ। और हमारे यहाँ तो देखो सर्दियों में लगता है, एकदम कड़ाके वाली सर्दियाँ होती हैं, जो होती हैं सर्दियाँ के कंबल में से निकलने का मन ना करे वो वाली सर्दियों में होता है हमारे यहाँ। और अब थोड़ी थोड़ी महक सी अब शुरू हुई है आनी, अच्छी सी खुशबू। और बस ईद आने वाली है, बकरीद, तो थोड़े से ही दिन बचे ना, 1 महीने से कम बचा ना, और बस ईद आ जाएगी। और तैयारियां तो शुरू हो रही होंगी कपड़े वगैरह की, अभी तो हमने करी नहीं है किसी की भी, बच्चों की भी ना अपनी, तो चाहे हैं देखो जाएंगे। और यह है कि मतलब गर्मी के टाइम में थोड़ा ऐसे तो हैवी वेवी से कपड़े तो बनेंगे नहीं, वही कॉटन के बनेंगे। और हमें तो पता नहीं क्यों हमारी आदत इतनी ख़राब है कि हमें हैवी बना भी लें तो वो हमारे रखे रहते हैं, पहने हमसे जाते नहीं, तो फिर हमारा दिल भी रहता है कि हाँ बना लिए, फिर पहनने नहीं जाते तो क्या फ़ायदा। इससे अपने 2-4 जोड़े ऐसे ही बना लो अपने कॉटन वाले, सिंपल सिंपल से अच्छे, और पहने भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये देखो खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है इसकी सूजी की, और भुन भी गई है ना, हमारी कढ़ाई थोड़ी ऐसी हो रही है ना हल्की सी, तो नीचे एकदम से वैसी हो जाती है। और कलर है इसका एकदम तेज वाला गोल्डन। और ये गई इसमें लौंग, हमारी अम्मी तक डालती ना थी, खुशबू सी आ जा हलवे में, मोटी मोटी लौंग। आज हम हलवा बना रहे हैं जो हम छोटे थे, जब छोटे से थे, मतलब छोटे छोटे थे, तो कोई भी मेहमान आता था तो
हलवा जरूर बनता था नाश्ते में, है ना? पराठे ना बने थे? पराठे, हलवा, ये तो मतलब जरूरी था। बड़ा तकड़ा नाश्ता था। हाँ हाँ, हलवा पूरी बहुत बनता था हमारे भी, मगर ये मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं, मुझे तो वही अच्छा लगा हलवा पराठे वाले। उसका था मैं खा लूँ पराठा पराठा। और ये है गोला जो कि कद्दूकस करके रखा हुआ है। अच्छा, ये भी जाएगा इसमें। अब इसमें खद्दा आने तक है ना। और ये देखो इसमें खद्दा पड़ चुका है। और ये गैस में, और ये बहुत स्टेज ऐसी होती है कि मतलब ये खदकेगा और डर लगेगा ऊपर आने का, है ना। हो जा रहा है ना, चलता नहीं चमचा जल्दी से। और अजान हो रही है, आवाज आ रही होगी आपको। देखो हलवा तैयार, और बस इसे प्लेट में निकाल लो, है ना। गरम गरम हलवा, हलवा बन के तैयार है। और ऊपर से डाल दिया भाभी ने और गोला, और एकदम टेस्टी। ये देखो एकदम खिला खिला सा बना, एकदम ऐसा नहीं बना, थोड़ा ढीला सा, एकदम खिला खिला सा। आप भी आ जाइए खा लो, एकदम टेस्टी सा। और तो ठीक है, हम भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपना हलवा, और आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएँ। और जैसे आप हमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से करें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएँ। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।